तमाम यहाँ पर पंजाब आर्ट्स काउंसिल में मुनाकिद की गई है और यहाँ पर आप सब आर्टिस्टों को मदू भी किया गया है। उसके कुछ रीजंस थे और सिक्योरिटी का मकसद ये है कि आर्टिस्ट भी हम जहाँ तक कला प्रयोग के लिए काम कर सकते हैं हम करें और अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी है। आज यहाँ पर कैंप लगाया गया है आर्टिस्ट के लिए और इस कैंप में आपके बाकायदा आर्टिस्ट होंगे और इसके सारा जो हमारे साथ कलेब्रेशन कर रहे हैं जो हमारे साथ हैं जिनके जो है वो जो हमारे दस्त शफकत समझ लीजिए कि उन्होंने हम पर रखा है और उनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये टेस्ट वगैरह हो रही है। डॉक्टर जमाल नासिर हैं मिनिस्टर फॉर प्राइमरी हेल्थ, इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके लिए बहुत सी तालियाँ उनकी बहुत सी काविशें रही हैं। डॉक्टर जमाल नासिर सिर्फ ये कह देना ही उनके लिए बहुत है इसलिए क्योंकि इतने काम है कि हर शख्स उनको जानता है और मैं अपना पर्सनली तजर्बा भी यही कहूँगी कि मैं जब भी उनके पास गई हूँ कोई भी टेस्ट करवाना होता है तो जो उनकी सिटी लैब है और डिफरेंट उन्होंने तो वहाँ पर वो कभी भी इनकार उन्होंने नहीं किया। जितनी वो कंसेशन दे सकते थे आर्टिस्टों को जर्नलिस्ट को हर इंसान को उन्होंने दी है अपने तौर पर और ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब किसी ऐसे मकाम पर पहुँच जाते हैं तो वो फिर नीचे नहीं देखते हैं कि कौन है और कौन नहीं है लेकिन वो हमारे आर्ट सिक्योरिटी के प्रोग्राम में आए और आर्टिस्ट एक्टिविटी हमारे एक आर्टिस्टों की तंजीम है जो हर एक चीज़ की हर एक इदारे की हर एक कंपनी की जो है ना एक्टिविटी बनी है मगर मैं बैठ रहा कि हमारे आर्टिस्टों की एक्टिविटी कभी नहीं बनी ना कभी बनने दी गई। तो आज पहली दफ़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम आर्टिस्टों के वेलफेयर के लिए हमने ये आर्टिस्ट एक्टिविटी बनाई। तो इसमें हम डॉक्टर जमाल साहब का नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे कुछ मेहरबानों की वजह से हम पे मेहरबानी की। रावलपिंडी के आर्टिस्टों पे उन्होंने अपना एक एहसान किया या उन्होंने अपना हक अदा किया कि वो रावलपिंडी के हैं और उन्होंने चाहा कि रावलपिंडी के आर्टिस्टों के लिए कुछ किया जाए और वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी बड़ा कुछ करेंगे और उस लिहाज से मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी तरफ से डॉक्टर अंसर साहब का कि वो आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के उनकी तरफ से ये सारा सेटअप सारा कुछ लगा। उसके अलावा फिर मैं शुक्रगुजार हूँ राजी हॉस्पिटल वालों की तरफ से अरशद फारूक साहब का कि वो भी आए हैं और मैडम जो नई मजदूर हैं जो माशाल्लाह कोई तारफ़ के मोहताज नहीं वो हमारी चीफ गेस्ट हैं। तो उस लिहाज से सबके शुक्रगुजार हैं कि अपना कीमती वक्त सब ने निकाला। तो हमारा मकसद आर्टिस्टों के फलाह व बहबूद है जिसके लिहाज से अभी हमने सबसे पहले ये सेहत का कदम उठाया हम अल्लाह को मंजूर हुआ। हमारे आर्टिस्ट कम से कम ये बड़ी सेहत के लिहाज से बड़ी परेशानियों में थे कि यार हमें हर एक को एक जगह मिली हुई है जिस तरह मतलब ये मीडिया वाले हैं इनको बिम्स हॉस्पिटल में जगह मिली हुई मगर हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम समझ लें कि आम लोगों की तरह कभी किस हॉस्पिटल कभी किस क्लिनिक या जो भी मगर अल्लाह ताला का एहसान है कि अब हमें उम्मीद हो गई है कि हमें हर तरफ से जो है ना कुछ तावन कुछ ना कुछ हमारी पहचान होगी हमारी एक हैसियत होगी हमारे एक आर्टिस्टों की जो रिस्पेक्ट नहीं सी समझी जाती थी वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अब इसकी इज्जत बाकायदा हम मनवाएंगे और अल्लाह करेगा जब मनवाएंगे तो हमारे आर्टिस्टों की ये महरूमी ख़त्म हो जाएगी। अभी तो हमारी ये है इसके बाद अगला कदम हमने अपने वकार चौधरी साहब से हम गुजारिश करेंगे और मैडम नईद मंजूर साहब से कि आर्टिस्टों के लिए एक फेस्टिवल ड्रामा होना चाहिए फर्स्ट ड्रामों का फेस्टिवल ड्रामा होना चाहिए कि कम से कम यहाँ पे ड्रामों का कंपटीशन हो उसमें हर डायरेक्टर और हर फनकार एक तो उनको रोज़गार मिले और उसके बाद हर फनकार को और हर डायरेक्टर को अपना काम करने की वो ताकत मिलेगी यार मुझे काम आता है मैं काम कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान में प्रिंटी के जितने फनकार हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान के फनकार जितने भी हैं उनसे सबसे बेहतर है सबसे अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तो इस लिहाज से हमें ये मौका दिया है कि यहाँ पे फेस्टिवल होता है स्टार्टों का
कि अल्लाह मेहरबानी करने वाले हैं, उनको कम से कम इतना इतना बजट देना चाहिए कि वो ड्रामों का कम से कम आपस में कंपटीशन हो, और उनको नंबर वन थ्री इनाम भी देना चाहिए कि जो नंबर वन ड्रामा हो उसको लाख रुपए, नंबर सेकंड को 75,000 और तीसरे नंबर 50,000, कम से कम इस तरह वो जोश से काम करेंगे और अच्छे से अच्छा ड्रामा करेंगे और लोगों को अच्छी तफरी देंगे, अच्छी तफरी मुहैया करेंगे। तो एक तो हमने इंशाल्लाह इस पर कोशिश करेंगे, अल्लाह को मंजूर होगा, बाकी जो भी साथ साथ होगा हम गुजारशात सब इदारों को भी और सब दोस्त अहबाब और जितने भी हमारे मेहरबान हैं, हम अपना अपना मुद्दा हर एक को बयान करते रहेंगे। तो बराए मेहरबानी हमारी आर्टिस्ट एक्यूटी को आप आज से जहन में रख लें कि जिधर भी जाएं तो हमारी आर्टिस्ट एक्यूटी को अपने जहन में रखें, हमने अपना हक सबसे लेना है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसरों की कि उन्होंने भी हमारे आर्टिस्टों के लिए लाइसेंस की सहूलत दी, तो उनके भी शुक्रगुजार हैं। मोबाइल गाड़ी खड़ी है और जिस जिसने भी लर्निंग लाइसेंस या जो कुछ बनाना है आप इसके बाद वहाँ भी जाके अपने लिए लाइसेंस और वो करें, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए आसानी की। व्यूअर्स, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त मेडिकल कैंप भी लगाया गया है जिसमें ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट वगैरह बिल्कुल फ्री हैं, और मज़ीद जो मेडिसिन भी जो ज़रूरत है इस वक्त हमारे आर्टिस्टों के लिए, स्पेशली यहाँ पर ये एक्टिविटी की जा रही है जो कि आज सारा दिन जारी रहेगी, और ये एक अच्छा इकदाम है, और ये आर्टिस्ट इक्विटी ने इसको स्पेशली किया, और ये आप सब लोगों को ये सहूलत भी हम दे रहे हैं।